हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जो एक न्यूज़ निकल कर आई है चीफ मिनिस्टर के नॉमिनेशन से, उसको भी हम देखेंगे और इस बैकग्राउंड के साथ जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि रोल ऑफ गवर्नर और इशूज़ क्या क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग द नॉमिनेशन, उसको हम देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है फ्रेंड्स महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव इलेक्शन से। 2019 में जो इलेक्शन कंडक्ट किए गए उसमें फ्रेंड्स किसी भी पार्टी ने इतनी सीट्स एक्वायर नहीं की कि गवर्नमेंट बना सके। महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं और किसी भी पार्टी को अगर गवर्नमेंट बनानी है तो मिनिमम 145 सीट्स चाहिए। और अगर हम रिजल्ट देखें इलेक्शन के तो बीजेपी के पास 105 सीट्स थी, शिवसेना गवर्नमेंट के पास 56, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास 54 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 44 सीट्स थी। और फ्रेंड्स थोड़ी बहुत सीट्स दूसरे पार्टी के पास थी, लेकिन जो मेजर अलायंस थे जिन्होंने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया था वो थे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था। नेक्स्ट था फ्रेंड्स यूपीए का अलायंस, जो कि एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस था। फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था बीजेपी और शिवसेना का, उसमें फ्रेंड्स 50-50 प्रॉमिस की बात की गई थी, मतलब अगर गवर्नमेंट बनती है और किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी सीट नहीं आती है तो यह अलायंस है फ्रेंड्स, तो 50-50 बेसिस पर जो चीफ मिनिस्टर का पद है उसको होल्ड किया जाएगा। मीन्स 2.5 ईयर्स के लिए शिवसेना का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और देन बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन बीजेपी ने फ्रेंड्स यह कंडीशन को मानने से इनकार किया। इसी वजह से जो शिवसेना थी गवर्नमेंट, उन्होंने अपना सपोर्ट खींचा बीजेपी से और 8 नवंबर 2019 को जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इनविटेशन दिया बीजेपी को, जो कि फ्रेंड्स सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। अभी हमने देखा 105 सीट्स जीती थी बीजेपी ने इलेक्शन में, तो बीजेपी को इनविटेशन दिया गया गवर्नर के द्वारा कि आप आइए और गवर्नमेंट बनाइए। लेकिन फ्रेंड्स 10 नवंबर में, क्योंकि बीजेपी के पास भी मेजोरिटी नहीं थी, तो बीजेपी ने डिक्लाइन किया कि हम गवर्नमेंट अभी नहीं बना पा रहे हैं। इसी के चलते हुए गवर्नर ने शिवसेना गवर्नमेंट को इनविटेशन दिया। फ्रेंड उसके बाद 11 नवंबर गवर्नर ने फिर से नेशनल कांग्रेस पार्टी को भी इनविटेशन दिया, लेकिन फ्रेंड किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी को प्रूफ नहीं कर पाया और फ्रेंड्स गवर्नमेंट नहीं बनाई जा सकी। इसलिए गवर्नर ने फ्रेंड्स प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड किया सेंटर को और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया महाराष्ट्र में। 23 नवंबर को फ्रेंड्स बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार ने मिलकर बोला कि गवर्नमेंट को बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास 105 सीट थी हमने देखा और एनसीपी के पास 44, तो मिलकर फ्रेंड्स 149 सीट हो जाती हैं और गवर्नमेंट बनाने के लिए 145 सीट्स की ज़रूरत थी। इसको देखते हुए फ्रेंड्स गवर्नर ने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्रेसिडेंट रूल को लिफ्ट किया जाए और 6 बजे के आसपास फ्रेंड्स प्रेसिडेंट रूल को लिफ्ट किया गया महाराष्ट्र से। और उसी सुबह फ्रेंड्स 8 बजे के आसपास देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मिलकर गवर्नमेंट को बनाया और देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को बनाया गया। 23 नवंबर को फ्रेंड्स फर्स्ट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से फ्लो टेस्ट कंडक्ट किया जाना था और मेजोरिटी प्रूफ करना था रूलिंग पार्टी को। लेकिन फ्रेंड्स यह अलायंस था जो, तो मेजोरिटी प्रूफ नहीं की जा सकी और इस वजह से देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी ने रिज़ाइन किया और फर्स्ट गवर्नमेंट फ्रेंड्स कोलैप्स हुई। उसके बाद एक न्यू पॉलिटिकल कोलिशन का जन्म हुआ जिसको महाविकास अगाड़ी यानी ग्रेट डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से जाना गया और शिवसेना, एनसीपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर पार्टी ने मिलकर इस अलायंस को बनाया और गवर्नमेंट को बोला कि दे स्टेक द क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद फ्रेंड 28 नवंबर को इस अलायंस की गवर्नमेंट बनी और उद्धव ठाकरे जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया महाराष्ट्र का। अब हम न्यूज़ को समझते हैं फ्रेंड्स। महाराष््ट्र की बात करें तो दो हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर कोई ऐसा मेंबर मिनिस्टर की पोस्ट पर चुना जाता है और वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो फ्रेंड्स 6 मंथ के अंदर अंदर उसको मेंबरशिप अटेंड कर लेनी चाहिए किसी भी हाउस में। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की बात करें फ्रेंड्स तो वो किसी भी हाउस के अभी मेंबर नहीं हैं और यही पूरा इशू है। अप्रैल 9 को महाराष्ट्र के जो कैबिनेट थे उन्होंने रिकमेंड किया गवर्नर को कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को नॉमिनेट किया जाए एक सीट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में।
या तो फ्रेंड्स इलेक्टेड इलेक्शन के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट हासिल की जा सकती है, मेंबरशिप हासिल की जा सकती है, या नॉमिनेशन के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सिंस अभी कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है तो बाय इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसी वजह से जो दूसरा रूट बचता है वो है नॉमिनेशन का। लेकिन अभी जो अप्रैल 9 में कैबिनेट ने रिकमेंड किया था गवर्नर को फ्रेंड्स, तो अभी तक गवर्नर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और जो चीफ मिनिस्टर जी का ऑफिस है फ्रेंड्स, वो 27 मई को एक्सपायर हो जाएगा अगर उन्हें मेंबरशिप नहीं मिली दोनों हाउस में किसी एक में। तो इशू फ्रेंड्स यही है, आर्टिकल 164 क्लॉज 4 के हिसाब से अगर कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं है किसी भी लेजिस्लेचर के हाउस का, तो फ्रेंड्स 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ के लिए उनको यह मेंबरशिप को अटेंड कर लेनी चाहिए, नहीं तो मिनिस्टर का पद है उसको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और इसी प्रोविज़न के हिसाब से जो चीफ मिनिस्टर ठाकरे जी हैं उन्हें महाराष्ट्र की लेजिस्लेचर में एक मेंबरशिप को अटेंड कर लेनी चाहिए मई 27 से पहले पहले। लेकिन फ्रेंड्स बाई इलेक्शन को अभी कंडक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऐसा मैंडेटरी हो गया है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू अपनी मेंबरशिप को अटेंड कर सकते हैं। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो फ्रेंड गवर्नर के पास पावर रहती है कि 1/6 ऑफ मेंबर को वो नॉमिनेट कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की काउंसिल में 78 सीट्स हैं, इसका मतलब है फ्रेंड 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। जो अभी फ्रेंड्स 12 में से 2 सीट्स खाली हैं गवर्नर के कोटे की बात करें तो उनका जो टेन्योर है वो 6 जून को एंड होने वाला है। जी हाँ, 6 जून को एंड होने वाला है। और फ्रेंड्स अगर न्यू अपॉइंटमेंट किया जाएगा इस सीट पर तो 6 जून के बाद जो अपॉइंटमेंट है फिर से फ्रेंड्स सीज हो जाएगा, मीन्स फिर से वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो फिर से वही प्रॉब्लम जनरेट हो जाने वाली है कि चीफ मिनिस्टर जी को फिर से अपनी मेंबरशिप अटेंड करनी पड़ेगी। अगर हम सेक्शन 151A को देखें ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951, तो यह सेक्शन प्रोहिबिट करता है किसी भी वैकेंसी तब तक फिल नहीं किया जाएगी जब तक मिनिमम टेन्योर 1 ईयर ना रहे। और अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर आप वैकेंसी भरी भी जाती है तो जो टेन्योर रहेगा उद्धम ठाकरे जी का वो सिर्फ जून 6 तक ही रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स इस सेक्शन के खिलाफ यह बात जाती है। जो सपोर्टर्स हैं वो यह कहते हैं फ्रेंड्स गवर्नर इस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए नॉमिनेशन को नहीं रोक सकते क्योंकि यह जो सिर्फ सेक्शन है यह बाई इलेक्शन की ही बात करता है, मीन्स अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी सीट को फिल किया जाता है जो वैकेंट है बाई इलेक्शन के थ्रू तो तभी यह सेक्शन अप्लाई होता है। अगर किसी मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो तब यह सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। अब नॉमिनेशन की रूट की बात करें फ्रेंड तो उसकी अलग कहानी है। आर्टिकल 171 क्लॉज 5 को देखें तो गवर्नर उसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। अगर मिस्टर ठाकरे जी की बात करें तो उनके सपोर्टर्स ऐसा क्लेम करते हैं कि उनका नॉमिनेशन किया जा सकता है क्योंकि वह एक एस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, तो यह फ्रेंड्स आर्ट में कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है हरशरण वर्मा वर्सेस चंद्र भान गुप्ता जो 1961 का इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट है। उसके हिसाब से फ्रेंड्स पॉलिटिक्स भी एक तरह की सोशल सर्विस है, इसलिए मिस्टर ठाकरे जी का नॉमिनेशन किया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है फ्रेंड्स के कोई चीफ एग्जीक्यूटिव हो वो नॉमिनेशन के रूट से थ्रू उनको मेंबरशिप दी जा रही हो। 1996 में देखें HD देवेगौड़ा जी थे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे फ्रेंड्स, तो वही भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे लेकिन उनको अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर और इसके बाद उन्होंने मेंबरशिप को अचीव किया था। नेक्स्ट फ्रेंड सुशील कुमार शिंदे और पृथ्वीराज चवन भी थे जो महाराष्ट्र लेजिस्लेचर में किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे लेकिन वो चीफ मिनिस्टर रहे 2003 और 2010 में। अभी हमने देखा फ्रेंड्स कि अप्रैल 9 को महाराष्ट्र की कैबिनेट ने ऐसा रिकमेंड किया था गवर्नर जी को कि जो उद्धम ठाकरे हैं उनको नॉमिनेट कर दिया जाए काउंसिल की सीट पर, लेकिन 14 दिन के बाद भी अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, इसलिए गवर्नर के डिस्क्रिशन की बात आ जाती है। तो सबसे पहले हम 1952 के कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट देखते हैं इन अ केस विमन चंद्र बोस वर्सेस HC मुखर्जी। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस में बोला था कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ नहीं कर सकता है अगर किसी मेंबर को नॉमिनेट करना है काउंसिल में, और जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस दी जाती है उसी के
हिसाब से गवर्नर को एक्ट करना है। मींस अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी मेंबर को नॉमिनेट करना है तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ नहीं कर सकता है। अगर हम इसी से रिलेटेड आर्टिकल 163 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि गवर्नर को जो एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा उसको माननी चाहिए, माननी ही पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गवर्नर को डिस्क्रिशन दिए गए हैं तो उसके हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस दी गई है उसको ना मानते हुए गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यही भी है फ्रेंड्स कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से तभी बाउंड होता है अगर वो एडवाइस एग्जीक्यूटिव मैटर्स से रिलेटेड करती हो। जैसा कि आर्टिकल 162 में दिया गया है कि ऐसे जो मैटर्स होते हैं जिन पर स्टेट लॉ बना सकती है तो उन्हीं मैटर्स के रिस्पेक्ट में कोई एग्जीक्यूटिव पावर है तभी फ्रेंड्स गवर्नर बाउंड है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को फॉलो करें। लेकिन अगर नॉमिनेशन की बात आती है तो यह फ्रेंड्स कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, इसलिए गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स स्पेशली मेंशन किए गए हैं ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिनमें फ्रेंड्स गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ कर सकता है। तो पहले हम उन सिचुएशन को भी देख लेते हैं। अगर हम फ्रेंड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को देखें तो मिनिस्ट्रियल एडवाइस को बाइंडिंग किया गया था प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है गवर्नर के रेस्पेक्ट में। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा साफ साफ लिखा गया है अगर कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि गवर्नर अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकता है या नहीं, ऐसा कोई मैटर है कि गवर्नर के डिस्क्रिशन में फॉल होता है कि नहीं, तो गवर्नर का ही डिसीजन फाइनल होगा। उसमें फ्रेंड्स कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है गवर्नर के द्वारा तो उस डिसीजन को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है या सिचुएशन है जब गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ अ विल फॉर कंसिडरेशन और फॉर द प्रेसिडेंट। सेकेंड है रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, वो भी हमने देखा अभी महाराष्ट्र के केस में। थर्ड है फ्रेंड्स वाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एडजॉइनिंग यूटी। फोर्थ है डिटरमाइनिंग अमाउंट पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह फ्रेंड्स अलग है। और फिफ्थ की बात करें तो सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर। तो यह जो फाइव ग्राउंड्स हैं जो एक्सप्लिसिटली मेंशन किए गए हैं फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में, इन ग्राउंड्स पर गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पर एक्ट कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ ऐसे सिचुएशनल डिस्क्रिशन हैं जिन पर गवर्नर टाइम टू टाइम एक्ट करता है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन या फ्रेंड्स हिडन डिस्क्रिशन की अगर बात करें तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ कर सकता है फॉर अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर। अगर किसी भी पार्टी ने फ्रेंड्स मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के दौरान तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ करके किसी भी मेंबर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। इसके साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर अगर फ्रेंड्स सडनली डेथ हो जाती है और उनका कोई सक्सेसर ना हो तब भी गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ कर सकता है। सेकंड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर फ्रेंड्स फ्लो टेस्ट या कॉन्फिडेंस को प्रूफ नहीं कर पाए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तब भी गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ करके डिसमिस कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी हमने देखा था महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद। थर्ड है फ्रेंड्स कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकता है, डिसोल्यूट कर सकता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी मेजोरिटी को लॉस्ट कर दिया है। तो हमने फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्क्रिशन है वो भी देखे और सिचुएशनल या हिडन डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास वो भी हमने देखे। इसके साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं आर्टिकल 162 या 163 के अंदर उसको भी हमने देखा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि अगर ऐसे कोई सिचुएशन अराइज होती है और कन्फ्यूजिंग रहता है कि गवर्नर के एरिया में कोई मैटर आ रहा है कि नहीं, कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ कर सकता है या नहीं, तो फ्रेंड्स गवर्नर का ही डिसीजन फाइनल होगा। अगर हम आगे की बात करें फ्रेंड्स तो गवर्नर ऐसा बोल सकते हैं कि दैट ही इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट स्विफ्टली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद देखा। और अभी ये जो सिचुएशन अराइज हुई है फ्रेंड्स ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और देखना होगा कि जो COVID-19 की हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन है उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल क्राइसिस अराइज हुआ है महाराष्ट्र में
तो क्या डिसीज़न लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हमने अच्छे से बैकग्राउंड को समझा, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे अराइज हुई है, उसके साथ ही साथ हमने न्यूज़ को देखा, देन हमने इशू क्या है नॉमिनेशन से लेकर उसको देखा, और नॉमिनेशन का रूट कैसे यूज़ किया जा सकता है उसको भी हमने समझा, और एग्जाम्पल को देखा फ्रेंड्स के ऐसे पहले कौन कौन से मेंबर्स थे जिनको मिनिस्टर्स की पोस्ट दी गई है, और लास्ट में हमने डिस्क्रिशन को समझा कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकता है। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच।